मॉर्निंग इन जैन क्लास 11th, कॉन्टिन्यूइंग विद आर चैप्टर नंबर 1, दैट इज इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. डियर स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी आर डन विद द टॉपिक कॉमर्स, राइट, एज वेल एज वी आर डन विद द टॉपिक फंक्शन एंड रोल ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स का क्या रोल होता है? कॉमर्स रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फिनेंस एंड इंफॉर्मेशन, राइट, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन, तो ट्रेडर्स जो कि फैक्ट्री से डायरेक्ट सामान लेकर आते हैं और रिटेलर्स को या होलसेलर्स को देते हैं जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं. प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्क, इंश्योरेंस, टाइम, वेयरहाउसिंग और स्टोरेज, और फिनेंस, बैंकिंग. इंफॉर्मेशन मीन्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू द कस्टमर इज गेट टू अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स. ठीक है, नाउ कम्स द टाइप ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज. दे आर ऑफ टू टाइप्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टाइप्स, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. विच ट्रेड इज व्यापार. कैसे लोगों से हम जुड़ते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, राइट. देन ऑक्सिलरी और एड्स टू ट्रेड. दीज आर द एक्टिविटी विच फैसिलिटेट्स द ट्रेड. ओके, चलो लेट्स डिस्कस इट हियर अबाउट ट्रेड. ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इसमें क्या होता है, आप इस डिफरेंस को समझो. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री हम पढ़ चुके हैं. इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन होता है. ये जो पेन मेरे हाथ में है, द पेन आई एम यूजिंग, इसका प्रोडक्शन, लेट सपोज एसी का प्रोडक्शन, फ्रिज, टीवी, प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में. वी आर डन विद कॉमर्स, राइट. कॉमर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय इंडस्ट्री टू कंज्यूमर. डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन. अब फैक्ट्रीज में जहाँ पर एसीज बन रहे हैं, उनको नहीं पता राजस्थान में किसको हमारे ब्रांड का एसी चाहिए, जयपुर में किसको हमारे ब्रांड का एसी चाहिए, मोदी नगर में किसको हमारे ब्रांड का एसी चाहिए. जस्ट कॉमर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का कस्टमर्स तक. एंड वॉट इज ट्रेड, प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल. यहाँ पर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये उठाकर यहाँ पर ले आए. अब परचेज एंड सेल होता है ट्रेड में, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. ओके, सो दिस इज वॉट वी डिस्कस हियर इन ट्रेड, दैट ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है, किस मोटिव से, अर्निंग प्रॉफिट. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स. इंटीग्रल ऑफ पार्ट ऑफ कॉमर्स क्यों, जिस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है किसी भी प्रोडक्ट की, लाइक सपोज टीवी की, कॉमर्स में टीवी को उठाकर लाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, ठीक है, और फिर उनके पास से मार्केट में हम तक पहुंचता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट कम्स इन ट्रेड, परचेज एंड सेल जहाँ होती है. ओके, सो इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स, मेकिंग अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर, टू अल्टीमेट कस्टमर्स तक कैसे पहुंचता है कोई प्रोडक्ट, थ्रू ट्रेड. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन बाय ट्रेडर्स हु रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स. बेटा, अगर आपको कोई टीवी लेना है सैमसंग का, तो आपकी आप वंस इन अ वाइल अगर आपके घर के पास है, आपकी सिटी के पास है, आप जाकर फैक्ट्री से भी ले सकते हो डायरेक्ट, बट नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी. सो दे नीड टू यू नो परचेज इट थ्रू दी स्टोर्स, थ्रू दी शोरूम्स, राइट. एंड इट इज़ बींग कैरीड ऑन बाई द ट्रेडर्स हु रिमूव द हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन. आप इजिली स्टोर रूम पर जाओगे, शोरूम्स पर जाओगे, एंड यू गॉट द प्रोडक्ट वट एवर यू नीड इट. सो हियर कॉमर्स, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, दिस डायग्राम, दिस चार्ट. कॉमर्स इज बींग डिवाइडेड इन टू टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. ट्रेड इज अगेन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, होम ट्रेड एंड फॉरन ट्रेड. हमने बहुत बार इससे पहले होलसेलर और रिटेल के बारे में पढ़ा है. देन कम्स फॉरेन ट्रेड, जिसमें हमारी एक्टिविटीज़ आती है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट.
import, export and entry port, right? Then comes aids to trade, the activities which facilitates trade, transportation, banking, insurance, warehousing, advertising, aap tak saman pahunchne ke liye in sab cheezon ki zarurat padti hai, right? See, some people got confused with trade and commerce, which is not correct. Trade is a part of commerce, means buying and selling. Trade commerce ka part hai. Commerce mein hum saman utha kar late hain industry se aur wo logo tak pahunchta hai, customer tak pahunchta hai through trade. It does not include the activities jaise transport, banking, warehousing, which facilitate trade. Theek hai, commerce mein sab kuch aata hai. Commerce include everything. चलो अभी से पढ़ते हैं आगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. टाइप्स ऑफ ट्रेड. ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस ट्रेड मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, इंटरनल एंड इंटरनल मींस होम ट्रेड, एक्सटर्नल मींस फॉरेन ट्रेड. ओके, लेट्स रीड द इंटरनल और होम ट्रेड. इट रेफर टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, अपने ही देश की बाउंड्री तक, राइट? जो ट्रेड होता है दैट ट्रेड इज नोन एज इंटरनल ट्रेड, मीन्स डूइंग परचेज एंड सेल ऑफ गुड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, दैट इज इंटरनल ट्रेड. और पेमेंट भी उसकी नेशनल करेंसी से की जाती है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द बैंकिंग सिस्टम, बट नेशनल करेंसी यूज की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रेडर है दिल्ली में, वो परचेज करता है स्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अ स्पोर्ट्स डीलर इन जलंधर. ठीक है, अ ट्रेडर, एक व्यापारी जो दिल्ली से बिलोंग करता है, ही परचेज गुड्स फ्रॉम जलंधर. और अ ट्रेडर इन दिल्ली में सेल करता है ड्राई फ्रूट्स जलंधर में. सो दैट इज गोइंग ऑन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड फॉर द सेम इज मेड द नेशनल करेंसी इज यूजिंग, राइट? सो दैट इज इंटरनल ट्रेड, जो अपनी कंट्री की बाउंड्रीज तक रहता है और नेशनल करेंसी यूज की जाती है. इंटरनल ट्रेड आर ऑफ टू टाइप, होलसेलर एंड रिटेलर. होलसेलर इन सिंपल वर्ड, जो बल्क में फैक्ट्रीज से सामान लेकर आते हैं और उसे मतलब लार्जर क्वांटिटीज़ में लेकर आते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, और सेल करते हैं स्मॉलर क्वांटिटीज़ में रिटेलर को. इस चीज़ को बेटा आपको समझना होगा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होलसेलर, एसी की कंपनी है जहाँ पर एसीज़ बनते हैं, होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज़ में एसी लेकर आते हैं. 5000 एसीज़ लेकर आ गए एक साथ. अब छोटी छोटी जो शॉप्स होती हैं आपके घर के आसपास या स्टोर शोरूम्स होते हैं, एसी के आपकी सिटी में 5 शोरूम हैं, तो वो ये होलसेलर, इन्हें कहते हैं रिटेलर. इन्हें व्हेन दे नीड एसी अपने शॉप पर रखने के लिए, शोरूम्स पर रखने के लिए, तो ये होलसेलर दे गो टू दी होलसेलर और उनसे स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेकर आएंगे एज पर देयर बजट. ये तो 5000 एसी उठा के ले आए, ये 1000, एक 1000 लेंगे, एक 500 लेंगे, एक रिटेलर का बजट 200 का है, एक रिटेलर का बजट 1000 का है, तो ये इस तरह से होलसेलर से परचेज करेंगे इन स्मॉलर क्वांटिटी. होलसेलर लाएगा लार्ज क्वांटिटी में. ओके, सो मूविंग टू द पॉइंट, व्हाट इज होलसेलर? इट इन्वॉल्व द परचेज एंड सेल ऑफ गुड बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेराइटी इन बल्क. बल्क में लेकर आते हैं. होलसेलर हमेशा लार्ज क्वांटिटी में लेता है प्रोड्यूसर से और सेल करता है उनको स्मॉलर क्वांटिटीज़ में रिटेलर्स को, जैसा रिटेलर का बजट होता है. होलसेलर कॉन्स्टिट्यूट अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर. हाउ? सी, प्रोड्यूसर जो कि एसी बनाते हैं, आपके घर के पास शोरूम है एसी का, आप यू नीड अ एसी, ठीक है, तो आप क्या करोगे? या तो आप फैक्ट्री पे जाओ डायरेक्ट, जो पता नहीं कहाँ पर है फैक्ट्री, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, कहाँ पर है, नहीं तो आप सीधा शोरूम विजिट करोगे. शोरूम थोड़ा ना, शोरूम के पीपल थोड़ा ना डायरेक्ट कंपनी से लेकर आए हैं, इनके बीच में आते हैं होलसेलर्स बल्क में जाकर लेकर आते हैं और रिटेलर्स को स्मॉलर क्वांटिटीज़ में उनके बजट के अकॉर्डिंग, जैसे उनको रिक्वायरमेंट होती है, देते हैं और आप सीधा शोरूम पर जाकर इनको परचेज करते हैं, राइट? ओके, देन कम्स रिटेलर. रिटेलर अभी जस्ट हमने पढ़ा. इट रेफर टू द सेल ऑफ गुड बाय द रिटेलर टू द कस्टमर, वो स्टोर जहाँ से आप एसी परचेज कर रहे हो, देयर बाय एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड फाइनल कंज्यूमर. हाउ? अब आप शोरूम से जाकर परचेज कर रहे हो, यू आर द कस्टमर, ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा रिटेलर, इसे रिटेलर कहेंगे,
इट एक्ट अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कस्टमर. कस्टमर डायरेक्ट होलसेलर के पास भी नहीं जाता है. दो होलसेल की शॉप्स अगर आसपास होती हैं, कस्टमर अप्रोच कर सकता है, लेकिन नहीं होगी तो वो रिटेलर शोरूम्स पर जाएगा और वहाँ से ही कैन परचेज दी एसी. ओके, रिटेल ट्रेड इज कंडक्टेड थ्रू अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, राइट. शॉप्स, वेंडर, पेडलर्स, मेल ऑर्डर हाउसेज, स्टॉल होल्डर्स, राइट. रिटेल ट्रेड इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स. अभी आई हैव टोल्ड यू स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपर बाजार एंड सेल्फ सर्विस स्टोर्स, ये सभी रिटेलर्स होते हैं हमारे. नाउ कम्स द एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड. इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, नॉट विद इन द कंट्रीज, टू और मोर कंट्रीज. यहाँ पर इट इन्वॉल्व यूज ऑफ फॉरेन करेंसी वेन वी आर डीलिंग विद द अदर कंट्री. सो यहाँ पर वी कैन मेक यूज ऑफ फॉरेन करेंसी इन रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि हम बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, दैट ट्रेड इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड. इट इज़ बींग फर्दर डिवाइडेड इन टू इम्पोर्ट ट्रेड. वॉट इज इम्पोर्ट? लाइक परचेज ऑफ फॉरन गुड्स. आपने इम्पोर्ट इससे पहले भी पढ़ा है बेटा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर कोई इंडियन बिजनेस पर्सन परचेज करता है रॉ मटीरियल फ्रॉम USA, दैट इज़ अ परफेक्ट केस ऑफ इम्पोर्ट, राइट. इफ एनी बिजनेस मैन इज परचेजिंग रॉ मटीरियल फ्रॉम USA, बाहर से लेता है, तो दैट इज़ अ केस ऑफ इम्पोर्ट, राइट. बट अगर कोई इफ एनी इंडियन फर्म सेल हॉजरी प्रोडक्ट टू अ फर्म इन रशिया, यहाँ से हम कुछ सेल आउट करते हैं बाहर की कंट्री में, सो दैट इज़ अ केस ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, राइट. बेटा प्लीज, बेटा डोंट गेट कन्फ्यूज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इट इज़ लाइक इम्पोर्ट में हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट में हम बाहर की देश से किसी दूसरी कंट्री से सामान मंगाते हैं, रॉ मटेरियल जो हमें रिक्वायरमेंट होती है. बट इन एक्सपोर्ट हम बाहर की कंट्री को एज पर देयर रिक्वायरमेंट अपने यहाँ का रॉ मटेरियल सेल आउट करते हैं, दैट इज़ एक्सपोर्ट. And what is entry port and re-export trade? It's like involve the import of foreign good with a view to re-export. मतलब हमने बाहर से कुछ सामान मंगाया. For example, an Indian firm may import some goods from a firm in England. England से हमने कुछ सामान मंगाया और उसी को सामान को export कर दिया नेपाल में. इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है. एन इंडियन फर्म में इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अ फर्म इन इंग्लैंड. इंग्लैंड से रॉ मटेरियल मंगाया एंड द सेम इट एक्सपोर्ट टू अ फर्म इन नेपाल, राइट. सो दिस इज अबाउट ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड होलसेलर ट्रेडर, होलसेल ट्रेडर एंड रिटेल ट्रेड. होलसेलर, व्हाट होलसेलर नीड्स टू डू, होलसेलर बाइज इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल इन स्मॉलर क्वांटिटी टू रिटेलर. रिटेलर, इट रेफर टू द सेल ऑफ गुड बाय द रिटेलर टू डायरेक्ट कस्टमर. आप रिटेलर्स के पास जाते हो सामान खरीदने. एक्सटर्नल ट्रेड आर ऑफ थ्री टाइप्स. इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इज वॉट, वेयर यू आस्क फॉर द रॉ मटीरियल फ्रॉम अदर कंट्री, दैट इज इम्पोर्ट. यहाँ पर आप कुछ सामान फ्रॉम इंडियन कंपनी इज गोइंग टू दी अदर कंट्री, राइट, दैट इज़ एक्सपोर्ट. अपने यहाँ से सामान, अपने यहाँ का रॉ मटेरियल, एनी ऑफ द गुड बाहर किसी कंट्री में जाना, दैट इज़ एक्सपोर्ट. एंड व्हाट इज एंट्री पोर्ट? हमने बाहर से कुछ सामान मंगाया फ्रॉम अदर कंट्री लाइक USA और उसी सामान को अपनी ही कंट्री में कहीं सेल आउट कर दिया उस रॉ मटेरियल को, right, that is entry port. Now have a look on the difference between the industry, commerce and trade. Industry, I have told you, production is going on in industry, production of good and services. Commerce mein distribution hota hai good and services ka by industry to customer. And trade is a process of purchase and sale, jo humne abhi padha, wholesaler, retailer ke paas aap jaate ho saman khareedne. Nature, it represent the supply side of good and services. इनका काम होता है सिर्फ सामान बनाना, प्रोड्यूस करना. इट रिप्रेजेंट द डिमांड साइड ऑफ गुड एंड सर्विसेज. सप्लाई कितनी करनी है, सामान कितना बनेगा, इनकी डिमांड होती है. इट रिप्रेजेंट द एक्सचेंज. यहाँ पर एक्सचेंज होता है. जो सप्लाई हुई, 5000 पेन बनाए, 5000 में से 4000 की डिमांड आ गई
और वो एक्सचेंज हो गया कस्टमर्स में. स्कोप, इट इंक्लूड जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में सभी चीज़ आ जाती हैं, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन. कॉमर्स में ट्रेड, व्यापार होता है होलसेल, रिटेलर के थ्रू एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड, इट इंक्लूड्स इनलैंड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, राइट. कैपिटल, इट रिक्वायर ह्यूज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल इन द प्रोडक्शन. आप किसी चीज़ का काम करने जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे वाला बजट चाहिए. कॉमर्स, इट रिक्वायर लिमिटेड फिक्स्ड कैपिटल. कॉमर्स में क्या होता है, आपके पास जितना पैसा है आप फैक्ट्री से उतना सामान उठा सकते हो. इट रिक्वायर लिमिटेड फोर्स फिक्स्ड कैपिटल, लिमिटेड वर्किंग कैपिटल इज इनफ इफ टर्न ओवर इज क्विक. जैसी जैसी डिमांड आएगी आप उसके हिसाब से अपना काम करोगे. यूटिलिटी, इट क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म और शेप ऑफ द मटेरियल. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है इंडस्ट्री. इट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, जो फिनिश गुड है उसको लोगों तक पहुंचाता है कॉमर्स, राइट. थ्रू प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड देयर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है ट्रेड में, राइट. Do not get confused in this. Just read this comparison at home carefully, because sometimes we get confused between the industry, commerce and trade. तो बेटा इसको revise करना. Next topic we will do tomorrow, that is auxiliary to trade. By the time you need to revise these topics today. All right? That's all for today. Have a good learning.